सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज मंच पर आसीन भारत सरकार के यशस्वी सड़क एवं परिवहन मंत्री जी का, जिन्होंने विकास की मजबूत नींव रखने वाले और मैं कह सकता हूँ विकास पुरुष आदरणीय नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड पधारने पर आप सबकी तरफ से 1.25 करोड़ देवतुल्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी का सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी जी का हम सबको यहाँ पर आज उद्बोधन भी मिलने वाला है और निश्चित रूप से आपका उद्बोधन कई सारे आयामों को लेकर होता है, वो हम सब लोगों के लिए जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सबको एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। आपका अटल संकल्प एवं अंत्योदय के लक्ष्य को परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन जो एक सामान्य परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ, हम सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो देश का सामाजिक एवं सामरिक परिदृश्य में जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे तय समय सीमा पर पूरा करना अब NHAI के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है, जो पहले हम देखते थे कई बार ये देहरादून और हरिद्वार की सड़क को ही आप देखिए कितनी बार शुरू होती थी और जिसका काम कई सालों पूरा हो जाना चाहिए था वो पूरी नहीं हो पाई थी। आपके मंत्री बनने के बाद तत्काल उस सड़क का काम प्रारंभ हुआ और पूर्ण हुआ। आपका काम सिर्फ सड़कें, ओवरब्रिज, अंडरपास बनाकर एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना ही नहीं, बल्कि अपने कामों से, अपने किए हुए विकास के कामों से लोगों के दिलों को जोड़ने का काम भी आप बखूबी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो निर्माण है वो ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए हो और जनता की भावना से प्रेरित हो। यदि मैं कहूं कि आज बहुत सीमांत क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी अभी हम सब लोग देख रहे थे अनेक क्षेत्रों में, चाहे शिमली ग्वालदम के क्षेत्र हो, चाहे आज वो हमारे कर्णप्रयाग से कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क हो, ऐसे सीमांत क्षेत्रों में उधर जहां माणा से लेकर और आदि कैलाश तक के क्षेत्रों में सड़कों को पहुंचाने का काम हो, आज NHAI एक विकास के लिए मजबूत स्तंभ बन चुका है। अगर हम ऐसा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज जिन 4700 करोड़ रुपए की लागत से 28 परियोजनाओं का भूमि पूजन और 2 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, निश्चित रूप से इन सब से एक विकास का नया अध्याय शुरू होगा और उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ एक डेवलप भूमि यानी विकास भूमि के नाम से भी आने वाले समय में जाना जाएगा। आप सभी जानते हैं कि देहरादून से हरिद्वार की यात्रा करना कितना कठिन होता था, अब जब पहले हम चलते थे तो 3 से 4 घंटे तक लग जाया करते थे, इतनी सड़क खराब हुआ करती थी, लेकिन अब यह समय घटकर 45 से 50 मिनट का हो गया है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, अटक से लेकर कटक सर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोडों में कनेक्टिविटी का विस्तार होने के साथ साथ लोगों की जो यात्रा है, यातायात है, वह भी सरल हुआ है, सुगम हुआ है, सुविधाजनक हुआ है। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के दीप निरंतर जलाए जा रहे हैं उससे हमारा राज्य हर क्षेत्र में आज प्रकाशमान हो रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना के एक बड़े हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है वो बहुत सुगम बनाई जा रही है। उसी का प्रतिफल है कि जहां कुछ लाखों में यात्री आते थे, इस वर्ष 56 लाख यात्री आए हैं। 56 लाख यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन किए हैं। हमारा राज्य छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के अंदर 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं। प्रदेश में सड़कों की दशा में पहले से अद्भुत रूप से विस्तार हुआ है, सुधार हुआ है। जहां भारतमाला परियोजना में
पांच महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के माध्यम से चार धामों को जोड़ने वाले गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये यात्रा भी निरंतरता से सरलता की ओर आगे बढ़ रही है। और दिल्ली एलिवेटेड रोड, इसका काम तेजी से चल रहा है। अभी आदरणीय नितिन जी के साथ जब हम नीचे प्रेजेंटेशन देख रहे थे तो अधिकारियों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि इस वर्ष नवंबर तक उस योजना का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसके पूरा होने के बाद मैं समझता हूँ, मैंने एक दिन बहुत पहले कहा था कि आदरणीय नितिन जी आप इतनी अच्छी सड़कें बना दे रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून की जो हवाई यात्रा है उसमें टिकट लेने वालों की संख्या बहुत न्यून हो जाएगी, क्योंकि ये यात्रा महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। जो सड़क से आप जो है 4 घंटे लगते हैं, आने वाले समय में इतनी कम होने जा रही है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो आज सड़कों के क्षेत्र में हम तेजी से काम कर रहे हैं, प्रत्येक दिन 4 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण कर पा रहे हैं। पहले के समय में सड़कें किस प्रकार से खस्ता हाल होती थी वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, बहुत विस्तार में मैं जाना नहीं चाहूंगा। पूर्व की सरकारों ने सीमा से जुड़े हुए गांवों को, शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी। अक्सर हम पूछते थे, मैंने जाने के बाद कई बार मैं मीटिंगों में हुआ गया तो मैंने पूछा कि ये सीमांत क्षेत्रों में सड़कें क्यों नहीं बनाई गई, तो बोले कि पहले की सरकारें ये सोचती थी कि जो है अगर सड़क बनाएंगे तो दुश्मन जो है उस सड़कों से चलकर हमारे देश के अंदर आ जाएंगे। अरे भाई, हमारी देश की सेना हमेशा से शक्तिशाली रही है, हमेशा से साहसी रही है, हमेशा से पराक्रमी रही है। आखिर सेना पर भी इतना शक करने की आवश्यकता क्या थी? हमारे सैनिकों ने हमेशा जब जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आई है, किसी ने मुंह से हमारी ओर देखने का प्रयास किया है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना ने हमेशा किया, देश की आजादी से लेकर आज तक। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास के नए युग का प्रारंभ यहाँ हो चुका है। हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया गया है, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। जो संकल्प, जो सपना हमने उत्तराखंड के देखे हैं, उसको हम पूरा करेंगे, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं, हमारी पूरी सरकार निरंतर रूप से पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। हमने कई ऐसे मुद्दों का निस्तारण किया है जिनको पहले के समय में दरकिनार कर दिया गया था। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं, अभी हमने समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है विधानसभा के अंदर पारित करके आप सब ने, जिसके लिए हम सबको यहाँ सरकार में भेजा था, सेवा करने का अवसर प्रदान किया था, जो हमने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया है, उस वायदे को निभाने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, उद्योगों पर भी बल दिया जा रहा है। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून के अंदर आयोजित हुई थी, 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और 3,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के MOU हमारे साथ उन्होंने निवेशकों के निवेशों के करार किए हैं। आने वाले समय में वो तेजी से धरातल पर उतरेंगे और अभी तक 46,000 करोड़ रुपए के जो निवेश हैं वो धरातल पर भी उतर गए हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर नए शहरों को बनाने का भी काम कर रहे हैं, उनके भविष्य की योजनाओं को भी तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज चार धाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, आज साल भर चलने वाली यात्रा हो, अनेकों देश दुनिया के लोगों का आवागमन उत्तराखंड में जिस तेजी से हुआ है, उन सभी स्थितियों को जो भविष्य में हमारे सामने आ सकती हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम आधारभूत संरचना को डेवलप करने का काम, विकास करने का काम, उस प्रकार से निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तराखंड एक नए जोश और नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने जो विकल्प नहीं संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंत में मैं यह भी, आज जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा हरिद्वार में अनेक योजनाएं उनका भी यहाँ पर साथ साथ आज लोकार्पण हुआ है। हरिद्वार में शंकराचार्य चौक के समीप स्पोर्ट जोन का विकास एवं उसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के फ्लाईओवर के नीचे जो रिक्त
करना था उनको स्पोर्ट जोन के रूप में विकसित किए जाने का काम भी इस योजना में किया गया है। इसके साथ साथ हरिद्वार में ऊंची शिव मूर्ति के समीप केबल ब्रिज पर डायनामिक स्थायी फसाद प्रकाश सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया है और इसके सौंदर्यीकरण होने से पौराणिक विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर प्रत्येक दिन जो माँ गंगा की आरती का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर माँ गंगा जी की आरती के साक्षी बनते हैं। केबल ब्रिज पर डायनेमिक स्थायी फसाद प्रकाश सौंदर्यीकरण किए जाने से निश्चित रूप से आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति होगी और एक अच्छा अनुभव वो हमारे उत्तराखंड से लेकर जाएंगे। मैं इसके लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण प्रशासन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही अभी मदन कौशिक जी बोल रहे थे, आदरणीय निशंक जी बोल रहे थे और इससे पहले कुमाऊं क्षेत्र की भी 2200 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का आज हम शिलान्यास आपने वहां पर भी शिलान्यास किया है। तो आप ऐसे भारत सरकार के ऐसे मंत्री हैं, ऐसे राजनेता हैं, वास्तव में आपसे हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बल्कि आप पहले से ही जो है हमारी क्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पहले ही स्वीकृति कर देते हैं और आप जान जाते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता है वो पहले ही आप उसके लिए जो है हमको हाँ कर देते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा इतनी सारी योजनाएं आज देहरादून हरिद्वार का जो हमारा दूधाधारी फ्लाईओवर है चालू हो जाने से आपने इसका लोकार्पण कर दिया है, बहुत यात्रा आसान हो जाएगी। साथ में ये जो एक मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि नेपाली फॉर्म से ढालवाला तक फोर लेन एलिवेटेड जो विकास का कार्य है, निर्माण का कार्य है, ये ऋषिकेश जाने में लोगों को अत्यधिक समय लगता है, अगर इसका निर्माण कार्य हो जाएगा तो ये बहुत आसान लोगों की यात्रा हो जाएगी, मैं इसके लिए अनुरोध करता हूँ। साथ में मोहकमपुर फ्लाईओवर से अजबपुर फ्लाईओवर जो देहरादून का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 है इसमें फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा देहरादून में शहर में प्रवेश के लिए फोर लेन एलिवेटेड रैंप का अगर निर्माण कार्य हो जाएगा तो जोगीवाला से अजबपुर तक लगने वाले जाम के कारण जो यात्रियों को परेशानी होती है उस परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचएल रानीपुर के रोशनाबाद कुड़कावाला बिहारीगढ़ राज्य मार्ग संख्या SH 70 पर अन्नेकी के निकट किलोमीटर 3 पर पथरी रोड का एक सेतु का निर्माण कार्य अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से रानीपुर व ज्वालापुर की जो हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है जिला मुख्यालय आने जाने व अन्य राज्यों से भी जो श्रद्धालु आते हैं उनको हरिद्वार पहुँचने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस नए पुल के निर्माण हो जाने से ये उनकी परेशानी दूर होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा हमारी कही हुई सभी बातों को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आज भी आपने अनेक योजनाओं को आगे भविष्य के लिए प्रस्तावित किया है, 16,000 करोड़ रुपए हमको आप रोपवे के क्षेत्र में देने वाले हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं जैसे ही हम यहाँ से वन विभाग या अन्य विभागों की जो NOC होनी है उसकी मैंने कल ही बैठक रखी है वो जैसे ही पूरी हो जाएगी आपने हमको आश्वस्त किया है कि उसमें भी आप देंगे, CRF में भी आप देंगे, जो भी योजनाएं हम आपको दे रहे हैं आप सब में हमको दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सब की तरफ से आपका बहुत स्वागत करते हुए देवभूमि आगमन पर आपका इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब